वेलकम टू माय लेसन नंबर वन। आज के इस लेसन में हम ये जानेंगे व्हाट इज सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर के कई नाम हैं, कई नाम से इसको बुलाया जाता है, जिसमें से एक पियानो है, कीबोर्ड है और कैसियो भी उसको बुलाया जाता है, क्योंकि कैसियो एक ब्रांड है लेकिन फिलहाल एक पॉपुलर ब्रांड है, इस वजह से कीबोर्ड का नाम ही कैसियो रख दिया गया, इसको लोग कैसियो से ही बुलाते हैं, लेकिन फिलहाल इसका एक्चुअल नाम है सिंथेसाइजर, क्योंकि पियानो का एक वर्जन दिया गया है, स्मॉल वर्जन, जिसमें हमारे ब्लैक कीज एंड वाइट कीज होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कीज, साथ में इसमें आपको एक फंक्शंस कीज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसमें आप कई प्रकार के साउंड निकाल सकते हैं, टोन्स निकाल सकते हैं, रिदम निकाल सकते हैं। व्हाट इज टोन्स? टोन्स होते हैं हमारे आवाज, जैसे हमारी पियानो की आवाज हो गई, जैसे हमारी आपकी फ्लूट की आवाज हो गई, जैसे हमारे सितार की आवाज हो गई, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कई सारे हैं वो उनका पूरा सार इस सिंथेसाइजर में बसा हुआ है, उसी को हम लोग सिंथेसाइजर कहते हैं। पियानो का वर्जन होता है कि पियानो में खाली एक साउंड होती है पियानो की, लाइक दिस, क्यों एक साउंड से वो पूरा चलता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं, फंक्शंस नहीं होते, लाइक एज ए सिंथेसाइजर। एंड व्हाट इज रिदम? रिदम मतलब बीट्स, हमारी ड्रम्स बीट्स होती हैं, जो में हम ढोलक पार्ट बजा सकते हैं, कॉन्गो पार्ट बजा सकते हैं, ऑक्टोपैड पार्ट बजा सकते हैं, ड्रम्स पैड पार्ट बजा सकते हैं, तो ये सारे इसमें फीचर्स सभी का एक समागम एक हमारे सिंथेसाइजर में होता है, उसी को हम लोग सिंथेसाइजर कहते हैं, या कीबोर्ड कहते हैं, या पियानो भी कह सकते हैं, और या कैसियो भी कह सकते हैं। तो ये इसका फीचर एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। कई प्रकार के सिंथेसाइजर आते हैं, जैसे 61 कीज का, 88 कीज का, 32 कीज का, तो वो एक पार्ट हो गया इसका, स्मॉल, मीडियम एंड लार्जर, डिपेंड करता है आपके वर्कआउट के अनुसार, आपके प्रोफेशनलिज्म के अनुसार, कि आपको कितना इसको यूज करना है और कितना अब यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना सिंथेसाइजर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये सिंथेसाइजर के कीज हैं वाइट, ये इसके ब्लैक कीज हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये इसके फंक्शन है ये बता दिया मैंने आपको। तो आज के लेसन में हमने ये जाना कि व्हाट इज सिंथेसाइजर। आप हमारे नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, जो आपको हेल्पफुल होगा आपके कीबोर्ड को बजाने के लिए। तो आज के इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।